तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग हैं अभी राजस्थान में। राजस्थान में हमारा चौथा दिन है। अभी हम लोग अजमेर में हैं। अभी दो दिन से अजमेर में ही हैं। कल हम लोग दरगाह गए थे और कल लेक गए थे। आज दिन की शुरुआत हुई है तारागढ़ फोर्ट से। हम लोग तारागढ़ फोर्ट जा रहे हैं और अपनी गाड़ी नहीं लेके आए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। बिकॉज हमें लग रहा था कि काफ़ी हाइट पे है, शायद रोड भी पता नहीं था, रोड कच्चा है कि सही है, कितनी चढ़ाई है वो हमें आइडिया नहीं था। अब हम लोग पहुंच गए हैं तारागढ़ फोर्ट। यहाँ पे एक दरगाह भी है, दरगाह हज़रत मीरन, उनकी दरगाह है। तो यहाँ पे घोड़े भी हैं और ऊँट भी हैं। यहाँ पे फ़ोटो खिंचा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से दुकानें हैं। तारागढ़ फोर्ट जो है वो है तारागढ़ पहाड़ के ऊपर, जो कि अरावली रेंज का ही पार्ट है। तारागढ़ फोर्ट वो 1300 फीट की ऊंचाई पर है। और तारागढ़ फोर्ट का नाम तारागढ़ कैसे पड़ा, उसके लिए आपको हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। अजमेर के जो संस्थापक थे उनका नाम था अजय राज सिंह, जो कि चौहान डायनेस्टी के थे। और ये जो फोर्ट है वो भी अजय मेरू दुर्ग के नाम से ही फेमस था शुरुआत में। वो 1200 ईस्वी के आसपास बनवाया गया। इसके जो आखिरी शासक थे वो थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। 1192 में इनकी डेथ हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, जब मोहम्मद गौरी ने इन पे अटैक किया था और इनको मार दिया था। तेहरान का जो पहला युद्ध हुआ था उसमें तो मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से। तेहरान के दूसरे युद्ध में जब मोहम्मद गौरी लड़ने आया तो एक स्ट्रेटेजी बना के आया। जो पृथ्वीराज चौहान के जो दुश्मन थे, जो खास दुश्मन थे, वो थे कन्नौज के जयचंद। क्योंकि जब जयचंद की लड़की जो थी उनका नाम था संयोगिता, और जब इनका स्वयंवर हो रहा था तो पृथ्वीराज चौहान इनको बहुत पसंद करते थे और संयोगिता भी इनको बहुत पसंद करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान इनके स्वयंवर पे आके इनको उठा के ले गए थे। बाद में इनसे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से कन्नौज के राजा थे जयचंद बहुत चिढ़े हुए थे, बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और बहुत नफरत करते थे पृथ्वीराज चौहान से। जब तेहरान का सेकंड युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी का जो साथ दिया वो साथ दिया जयचंद ने, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे वो। उसके बाद इस फोर्ट पर कई लोगों का राज रहा, जिनमें से एक थे राणा सांगा के बड़े भाई के बेटे, मतलब राणा सांगा के भतीजे मान लीजिए, उनका नाम भी पृथ्वीराज था। और उन्होंने इस फोर्ट का नाम अजय मेरू से हटाकर तारागढ़ कर दिया बिकॉज उनकी वाइफ का नाम ताराबाई था। और आपको एक चीज मैं बता दूं, मुगल बादशाह शाहजहां उनके जो बेटे थे, बड़े बेटे धारा शिकोह, उनका जन्म भी इसी फोर्ट पर हुआ था। ये देखिए बहुत सारे चमगादड़ आपको दिख रहे हैं इस पेड़ पे, और इस पेड़ के ऊपर भी देखिए ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे चमगादड़ हैं। ये पेड़ पे लटके हुए हैं, उल्टे लटके हैं, वाकई में उल्टे लटकते हैं लोग। मैंने तो चमगादड़ को पहली बार लटका हुआ देखा है, इसलिए लगा कि बता दूं आपको, उल्टे ही लटकते हैं ये भी। और अभी हम लोग आ गए हैं अन्ना सागर लेक की जो वोटिंग पॉइंट है वहाँ पे पहुँच गए हैं, और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे तारागढ़ फोर्ट। तारागढ़ फोर्ट में तो केवल फोर्ट तो है नहीं, कुछ आज की डेट में कुछ बचा नहीं है वहाँ पे, सब उजड़ चुका है। और वहाँ पे केवल दिख दरगाह है, और वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ वहाँ पे क्या क्या हुआ। और जियाश भी अपनी टोपी लगा के रेडी हो गया। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, लगभग 11 बजने वाला, लेकिन मौसम बहुत अच्छा, बिल्कुल धूप नहीं लग रही है। और शायद ये अन्ना सागर लेक की वजह से यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी हम लोग और भी जगह गए हैं, वहाँ पे भी धूप चुभ नहीं रही है। धूप बढ़िया है, सुहानी धूप है, बढ़िया मौसम है, घूमने में बहुत मजा आ रहा है। कितने रुपए? 200 मेरा भी दे रहा हूँ, दो कर दे रहा हूँ। बोटिंग में बहुत मज़ा आया, बोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ज्योति को बहुत मज़ा आया, जियांश को भी बहुत मज़ा आया, जियांश का चश्मा उतर रहा है, बहुत मज़ा आया हम लोग को। 15 से 20 मिनट की राइड थी। मेरे जियानों को भी बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कंप्लीटेड लग रहा है कि हाँ, हम लोगों ने अजमेर में बोटिंग भी कर ली लेक में,
और बाकी सब पॉइंट भी घूम लिए और लेक बहुत अच्छी लग रही है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं तो और ज़्यादा खूबसूरत दिख रही है। दोस्तों हम लोग निकल आए हैं, अब अजमेर के बाहर निकल आए हैं। अभी हम लोग जयपुर जोधपुर हाईवे पर हैं, जोधपुर की तरफ बढ़ चुके हैं। जोधपुर पहुंचने में लगभग अभी हमें 3 घंटे लगेंगे आराम से। हम लोग जोधपुर पहुंच चुके हैं, अभी हम लोगों ने एक होटल ले लिया है, ओम हेरिटेज होटल। गाड़ी मैंने खड़ी कर दी है। ध्यान से एज यूजुअल खेल रहा है। ओ ये यहाँ का डीलक्स रूम, काफी स्पेसियस है। और जी हाँ, तो आगे लेट गए अपना लेटो न्याश। ओह तो दोस्तों हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे ऊपर। ये रूफ टॉप पे इसका एक रेस्टोरेंट भी है इस होटल का। तो दोस्तों हम लोग फाइनली अपने रूम में आ गए थे और खाना भी खा लिया है। हम लोग थाली मंगाई थी, अब दिखाएंगे नहीं, वो खाली थाली है। तो बस हम लोग आज के वीडियो खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले आज हमें जो तारागढ़ में जो एक्सपीरियंस हुआ वो आपको जरूर बताना चाहते हैं हम लोग। तो रिसर्च करते वक्त हमको मालूम पड़ा वहाँ पे फोर्ट है, तो हमने फोर्ट के हिसाब से तैयारी की थी जाने से पहले। और जब वहाँ पे पहुंचे तो वो जो इमाम जी थे वो आ गए थे और फिर उसके बाद हमको ले जाने लगे साथ में। तो मैं आपकी बाकी चीजें बता दूं कि तारागढ़ का जो फोर्ट है वो बनवाया था अजय राज सिंह ने, जो कि चौहान डायनेस्टी के ही थे। और बाद में क्या हुआ कि जब आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए तो मोहम्मद गौरी ने तारागढ़ फोर्ट पे कब्जा कर लिया। उसके बाद जो अगला वंश हुआ वो थे उन्हीं के दामाद जो गुलाम वंश से आते थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने जब इस फोर्ट पे कब्जा किया तो उन्होंने एक कमांडर इन चीफ जो कि इनको बोलते सेना अधिकारी, तो उनका नाम था मीरान सैयद हुसैन। और हुआ ये कि इसके बाद 1202 में मेवाड़ के राजपूतों ने इस फोर्ट पर हमला किया। उस दौरान फोर्ट की रक्षा करते हुए ये जो जनरल साहब थे इनके, मीरान सैयद हुसैन साहब शहीद हो गए। इनके साथ साथ कई और सैनिक भी शहीद हो गए। जब उनके जाने के बाद शहीद जब हुए तब उसके बाद मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए थे इस किले पे और उनको उन्होंने अपने हाथों से दफनाया था। बिकॉज कहा जाता है कि जो मीरान सैयद हुसैन साहब वो बहुत बड़े फॉलोअर थे मोइनुद्दीन चिश्ती के और एक बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत संत आदमी थे और जो कि गरीबों की मदद करते थे। और नॉर्थ इंडिया में उनको जाना जाता है कि वो इस्लाम धर्म को बहुत खूबसूरती से फैलाते थे, उनकी अच्छी अच्छी बातें उपदेश बताते थे। अब हुआ ये कि जब हम उस फोर्ट पे पहुंचे और दरगाह मैंने देखी, उनके बारे में मैंने बहुत पहले पढ़ चुका था, हिस्ट्री में मैंने पढ़ा था उनके बारे में, काफी नोबल इंसान थे, काफी अच्छे इंसान थे। तो जब मैंने उनकी दरगाह देखी तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, फोर्ट नहीं घूम पा रहे, फोर्ट नहीं है आज की डेट में, तो हम इस दरगाह को घूम लेते हैं। उसके बाद जो मौलवी साहब मिले, जिनको गाइड भी कुछ भी बोल लीजिए आप, जो मुझे ले गए अपनी दुकान पर और उन्होंने ऑफर किया, बताया पहले सब चीजें, उन्होंने हुसैन साहब को प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लिंक किया और कहा था कि उन्होंने वो उनके पोते हैं। तो मैंने इनके बारे में जितना भी पढ़ा था मुझे कहीं से कोई लिंक मिला नहीं था आज तक। और जब भी मैंने इनकी दरगाह देखी तो मुझे इनका जाने का मन हुआ और एक वीर योद्धा के रूप में मैं उनकी जो दरगाह थी मैं विजिट करना चाहता था। लेकिन मौलवी साहब ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के पोते हैं और उन्होंने बहुत हिस्ट्री बताई, तो जिससे कि मैं कन्विंस नहीं था। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो वो उस बात पे चिढ़ गए, उनको लगा कि शायद इनको हिस्ट्री पता है। तो उन्होंने बोला कि क्या आप नास्तिक हैं। मैंने बोला कि अगर आप इस चीज़ को नास्तिकता बोलते हैं तो ठीक है, मैं नास्तिक हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप नास्तिक यहाँ पे नहीं आ सकते, यहाँ पे घूमने की कोई जगह नहीं है, आप इससे बेटर है कि आप अपनी चप्पल पहने और यहाँ से जाए।
मैंने बहुत ही शांतिपूर्वक बोला ठीक है माफ कीजिएगा मैंने आपका समय बर्बाद किया, अदरवाइज आप किसी दूसरे टूरिस्ट को पकड़ते और उनसे चादर खरीदवाते उनका आपका लॉस हो गया उसमें, तो फिर मैं हम लोग वहां से चले आए। लेकिन जो ये एक्सपीरियंस था जो मुझे यहां पे आज मिला, तो मैं आपको इससे ये चेताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसी चीज ऐसी दरगाहों पे जाएं और जहाँ पे ये मौलवी वगैरह जो बाहर घूमते रहते हैं आपको जबरदस्ती चादर या फूल खरीदने को बोलते हैं, अगर आपकी श्रद्धा है आपका मन है तो खरीदें, अदरवाइज़ किसी के कहने पे ना खरीदें। जबरदस्ती का मतलब वो लोग पैसे आपसे लूटना चाहते हैं, वो सब करना चाहते हैं, वो सब ना करें। अगर आपका मन है तो खरीदें, ना का मन है तो सीधे जाएं दरगाह में जिसको बोलते हैं ज़ियारत करें और लौटाएं। तो बस मेरा यही कहना था, आज का एक्सपीरियंस यही था। अगर आप दरगाह देखना चाहते हैं हज़रत मीरान सैयद हुसैन साहब की तो ही जाएं, अन्यथा ना जाएं। और वहाँ पे फोर्ट वगैरह कुछ बचा नहीं है आज की डेट में। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का मेरा दिन है वो जोधपुर में ख़त्म हुआ है और जियान से बस सोने की स्थिति में आ गया, जियान सोने वाला है और हम लोग भी बहुत थके हुए हैं, अब हम करेंगे आराम और आपसे मिलेंगे आप कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।